Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the Assalamualaikum, welcome back to my channel with another recipe. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पे आप कैसे क्रीम चीज बना सकते हैं. बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है. आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को. आप इसी क्रीम चीज के साथ क्रीम चीज केक बना सकते हैं, जापानीज केक क्रीम चीज केक बना सकते हैं, और भी कई रेसिपीज हैं जिनमें ये क्रीम चीज यूज होती है. तो चलिए देख लेते हैं किन चीजों की जरूरत है. यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है सिरका. आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, पर सिरके के साथ इसका ज्यादा अच्छा सा रिजल्ट आता है. 2 कप मैंने लिए हैं यहाँ पे दूध के. मैंने इसको ऑलरेडी बॉयल कर लिया था, गर्म है ये काफ़ी. क्रीम चीज़ बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले दूध में हम सिरका डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. सबसे पहले पनीर बनाएंगे हम. यहाँ पे 2 से 3 मिनट देंगे इसको पनीर बनने के लिए. लीजिए 2 मिनट में ही ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा सा पनीर बन गया है. आप देख सकते हैं पानी अलहदा हो गया है और दूध जो है ये पनीर अलहदा हो गया है. अब इसको हम छान लेंगे. यहाँ पे पनीर को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, पर फिर भी इसमें पानी होता है, तो इसको मैं यहाँ पे जग में रख के तकरीबन आधा घंटा दूंगी ताकि पानी सारा अच्छा से निकल जाए. देखिए पानी निकालने के बावजूद फिर पानी निकल आया है, आप देख सकते हैं. इसको डिस्कार्ड कर देंगे और पनीर को बाउल में निकाल लेंगे. यहाँ पर जो पनीर हमने बनाया है इसको एक बाउल में निकाल लेंगे. इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे इसको. यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1/4 टी स्पून. क्रीम चीज़ में नमक जाता है क्योंकि ये सॉल्टी होती है, और 1/2 कप फ्रेश क्रीम लिए. यहाँ पे जो हमने पनीर बनाया है इसमें नमक डाल के उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि अच्छी सी सॉफ्ट सी इसका टेक्सचर हो जाए. पनीर को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया. आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया है. अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है. आप चाहे तो फूड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं इसको सॉफ्ट बनाने के लिए. मैं यहाँ पे बीटर का यूज़ कर रही हूँ, आप भी बीटर यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है. पनीर को एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे क्रीम को बीट कर लेंगे. ये चिल क्रीम है 1/2 कप, इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से. यहाँ पे क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया. अब ये जो पनीर बनाया था हमने ये इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे. तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको, और ये अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर इसका आ जाएगा. ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको बीट किया है अच्छा सा बीटर की मदद से, और ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और क्रीमी है. बाउल में निकाल लेंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए. ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये काफ़ी हार्ड सी हो गई है, काफ़ी ये सेट हो गई है. आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी है लग रही है. मैं आपको ये स्पून की वजह से ऐसे करके भी दिखा देती हूँ. ये देखिए काफ़ी इसका मुलायम सा और क्रीमी सा टेक्सचर है, आप देख सकते हैं. ये देखिए क्वांटिटी डबल करके आप बना सकते हैं इसको, और इसको स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए. उसको यूज़ कर सकते हैं केक में, क्रीम चीज़ केक में, और मैनी मोर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये तैयार है होममेड क्रीम चीज़. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आपके सामने ही मैंने इसको बनाया है. इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई इसमें थिकनर मैंने यूज़ नहीं किया, और कोई इसमें प्रिजर्वर नहीं है. आप इसको 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं. अब आप भी इसको ऐसे ही घर पे बना सकते हैं. इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा इसका टेक्सचर. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. वीडियो अल्लाह हाफिज़.